वेलकम टू माय चैनल इज सृष्टि हियर एंड यू आर वाचिंग सृष्टिज डायरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड उसके बगल में एक बेल आइकन होता है उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ दो प्रोडक्ट्स, सन बोटानिका का वाइटामिन सी नाइट क्रीम और दूसरा सन बोटानिका का कॉफी पील ऑफ मास्क। इन दोनों प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू करूंगी एंड डेमो करके बताऊंगी कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद उनके क्या बेनिफिट्स हैं और मेरे स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ये सन बोटानिका का रोबस्टा कॉफी पील ऑफ मास्क विद कॉफी कैफीन एंड कोकोआ बटर। लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। दिस फेस मास्क कंटेन्स मुल्तानी मिट्टी विच इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड अ नेचुरल स्किन प्योरिफाइंग एजेंट। मुल्तानी मिट्टी जो होता है हमारे स्किन के ऑयल को कंट्रोल करता है एंड हमारे स्किन को प्योरीफाई करता है। जैसे कोई भी डर्ट होता है या एक्ने का प्रॉब्लम होता है उन सबको रिड्यूस करता है एंड बहुत ही अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट है मुल्तानी मिट्टी। सो दूसरा इसमें है कॉफी। कॉफी हमारे स्किन को क्लीन करता है, हमारे स्किन में जो भी एक्ने होता है उसको रिड्यूस करता है एंड ये हमारे स्किन को एनहांस करता है, लाइक रेडियंट एंड प्लम्ड स्किन बनाता है। सो इट हैज नाइसिनामाइड एंड वाइटामिन ई विच हेल्प्स टू प्रिजर्व द मॉइस्चर बैरियर ऑफ द स्किन। दिस इज सच अ वंडरफुल मास्क। लिटरली मैंने भी इसको अपने फेस पे दो बार ट्राई किया है गाइज, इट इज अमेजिंग। ये मेरे स्किन को ब्यूटिफुली क्लीन करता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है। जो भी डर्ट होते हैं उनको लिटरली पील ऑफ कर देता है, जैसा कि ये पील ऑफ मास्क है एंड ये लिटरली सारे ही डर्ट को पील ऑफ कर देता है एंड आपके स्किन में एक बहुत ही अच्छा रेडियंट एंड ग्लोई स्किन देता है। लाइक आपका स्किन ऐसा लगेगा बिल्कुल बेबी सॉफ्ट स्किन है। एंड गाइज चलिए बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आपको अपने फेस को वॉश करना है अच्छे से। वॉश करने के बाद आपको ये पील ऑफ मास्क अपने फेस पे अप्लाई करना है, इवनली सारे फेस पे आपको अप्लाई करना है एंड अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट आप जब टच करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपके फिंगर पे टच नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जब वो पील ऑफ मास्क बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा एंड देन आपको उसको ऊपर की तरफ पील करना है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ पील करोगे ना आप देखोगे ऑटोमेटिक वो बहुत इजीली पील हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा एंड गाइस यू कैन फील द ग्लो एंड द रिजल्ट, सच अ वंडरफुल रिजल्ट गाइस। चलिए बात कर लेते इसके प्राइस का। द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 499 रुपीज एंड इट इज प्योर एक्सट्रैक्ट, नो पैराबिन, नो एनिमल टेस्टिंग, नो मिनरल ऑयल, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन। सो गाइज इट इज सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट। चलिए आप फटाफट बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट प्रोडक्ट की, विच इज वाइटामिन सी ई एंड हाइलुरोनिक एसिड ब्राइटनिंग नाइट क्रीम। अगेन गाइज इट इज सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट। अभी मैं इसको काफी टाइम से अप्लाई कर रही हूँ ऑन, यू कैन सी माई स्किन गाइज, आई कैन सी द ग्लो, द टेक्स्चर। ये मुझे ब्रेकआउट नहीं देता है, ये बिल्कुल भी कोई भी इरिटेशन नहीं करता है, ये बहुत ही अच्छे से स्किन पे एब्जॉर्व हो जाता है। बट इट इज नॉट अ लाइट वेट मॉइस्चराइजर गाइज। सो लेट्स टॉक अबाउट द इन्ग्रीडियंट ऑफ दिस मॉइस्चराइजर। इस पे लिखा हुआ है इसका इन्ग्रीडियंट, इस पे सारे ही कुछ लिखे हुए हैं गाइज इसके प्रोडक्ट के डिब्बे पे, यू कैन सी गाइज ये पूरा अच्छे से इस पे क्या क्या है, क्या इंग्रेडिएंट है एंड इसको कैसे अप्लाई करना है, ये सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इट हैज विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड विच इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट कीप्स द स्किन लुकिंग यंगर एंड रेडिएंट। सेकंड इसमें है विटामिन ई, और ऑब्वियसली हम सबको पता है कि विटामिन ई बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। विटामिन ई हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। थर्ड इसमें है शिया बटर। गाइज जिस क्रीम में शिया बटर होता है ना आपको खुद ही फील होगा कि आपका स्किन कितना अच्छा मॉइस्चराइज है। शिया बटर जो होता है एक्ट एज ए नेचुरल मॉइस्चराइजर, इट प्रमोट्स टिश्यू सेल रिजुविनेशन। ये नाइट क्रीम है ना, इसको नाइट में अप्लाई करोगे नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन सी दी ग्लो ऑन योर फेस, बहुत अच्छे से रिजुविनेट हो जाता है आपका स्किन एंड ग्लोई सपल, बहुत ही अच्छा। इसमें कुछ प्योर ऑयल्स हैं, इसमें स्वीट आलमंड ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है एंड इट हैज आर्गन ऑयल। ये तीनों ही ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड अगेन इसमें ग्रीन टी, मोरंगा, एलोवेरा
एंड गराना एक्सट्रैक्ट है। अगेन ये बहुत ही अच्छा होता है एंटी एजिंग के लिए। एलोवेरा हमारे स्किन को बहुत अच्छे से सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट देता है और ये हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हमारे स्किन के जो भी रिंकल्स होते हैं या फाइन लाइंस होते हैं उनको रिड्यूस करता है। एंड गाइज ये बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है। दिस प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड इंटायरली सेफ फॉर द स्किन। ये आपके स्किन पे कोई ब्रेकआउट नहीं देगा एंड इट इज गुड फॉर ग्लोइंग एंड रेडियंट स्किन। चलिए बात कर लेते हैं इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी। ये बहुत ही अच्छा सा क्रीमी गाइस टेक्सचर है। ये इस टाइप से इसका पैकेजिंग है गाइस। आपको 1199 रुपीस में 50 ग्राम का प्रोडक्ट मिलेगा एंड द टेक्सचर ऑफ दिस क्रीम इज वेरी स्मूथ एंड वेरी क्रीमी टेक्सचर। इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस पिगमेंटेशन एंड अनइवन स्किन टोन। सो गाइस ये सारे इसके अच्छे एंड इसके बेनिफिट्स हैं। गाइस आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको रात में फेस वॉश करने के बाद आप इस क्रीम का अच्छा क्वांटिटी लोगे और उसको आप अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करोगे एंड देन सर्कुलर मोशन में मसाज करोगे। जब आप इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करोगे ना तो थोड़ा टाइम लेता है एब्जॉर्ब करने में बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑयल्स हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लेता है एंड ये बहुत अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट दिस इज नॉट अ लाइट वेट मॉइस्चराइजर गाइज। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि आपने अपने फेस पे कुछ अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए नाइट क्रीम है गाइज। नाइट क्रीम में अगर आप कुछ भी थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आप अप्लाई करते हो तो वो आपकी स्किन को रेजुविनेट करता है और पूरी रात जब वो अपना वर्क करता है नेक्स्ट मॉर्निंग आपका स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड रेडियंट हो जाता है। और थोड़ा सा हैवी है ये एंड इट इज गुड, सुपर 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 गुड फॉर ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन एंड इट इज सच अ वंडरफुल नाइट क्रीम गाइज। आई हैव बीन यूजिंग सिंस अ मंथ एंड आई लव यूजिंग दिस प्रोडक्ट। स्पेशली रात में जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा स्किन बिल्कुल सॉफ्ट सपल एंड रेडियंट रहता है एंड मेरे स्किन का टेक्सचर भी काफी सही हो गया है एंड अनइवन स्किन टोन भी काफी सही हो गया बिकॉज आलमंड ऑयल, ऑब्वियसली आलमंड ऑयल जो होता है आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है विच इज अगेन वेरी नाइस थिंग। सो द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 1199 रुपीज। ऑब्वियसली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, दोनों ही प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इफ यू वॉन्ट टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आपको इस भी किसी भी चीज से इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा देन कमेंट डाउन बिलो। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।